एक नंबर गणित की श्रेणी में आज हम चाल दूरी समय का पहला भाग देखेंगे। पिछले चरण में हमने रेलगाड़ी के चार हिस्से करके दिए थे। अगर हम देखें तो चाल दूरी समय का एक तरीके से फिफ्थ पार्टी है, ठीक है। बस इसमें ट्रेन की जगह बस, कार और आदमी से संबंधित सवाल और होंगे। चलिए हम पहला सम देखते हैं। दिया गया है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल क्या होगी? वह सिंपल सी बात है, सड़क की जो लंबाई है वह तय दूरी बन जाएगी 600 मीटर। लगा समय इसमें बोला है 5 मिनट है, 5 मिनट को आप सेकंड बनाने के लिए 60 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 300। तो आपके पास दूरी है, समय है। फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। यूज़ किया 600 बटे 300 तो 2 आ गया, ठीक है। पर आंसर जो है वो किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में है, तो इसमें हमने 18/5 का गुणा किया, 18 × 36, 36 में 5 से भाग देंगे तो 7.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए आपको। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल दूसरा सवाल ऐसा कल ट्रेन के सवालों में भी था, जिसमें एक ट्रेन रुक रुक के चलती है, बिना रुके चलती है, उस तरह का सवाल ये भी है। इसमें बताया गया कि एक बस स्टॉप को छोड़कर एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटे तथा बस स्टॉप के सहित, बस स्टॉप यानी रुकना, 45 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती है, तो कितने मिनट के लिए बस प्रति घंटे बंद रहती है? हम अपनी भाषा में ऐसे कह सकते हैं कितने समय के लिए वो रुकती है। तो ऐसे सवाल जब बस या ट्रेन बिना रुके या रुक रुक के चले, तो ऐसे में जब आपको समय निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज़ करिए, चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल गुणा 60। इसका आप यूज़ करेंगे तो आपको ये सवाल जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास सवाल को देखें, बस स्टॉप छोड़कर चाल है 54, बस स्टॉप सहित चाल है 45। तो समय निकालने का तरीका, चालों का अंतर बटे में बिना रुके चाल 54 × 60। इसे सॉल्व करिए, 54 में से 45 गए 9 और नीचे 54 है, 9 से काटेंगे जब तो ये आपको मिलेगा 6। इस 6 से आप काट सकते हैं इसे 10, तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है? 10 मिनट, ठीक है। तो प्रति घंटे 10 मिनट के लिए बस रुकेगी। अगले सवाल में कहा गया है, एक ट्रेन एक कार की तुलना 50% तेज यात्रा कर सकती है, दोनों एक ही समय में ए बिंदु से शुरू करते हुए एक ही समय में 75 किलोमीटर दूर बिंदु बी तक पहुंचती हैं। रास्ते में हालांकि ट्रेन 12.5 मिनट के लिए स्टेशनों पर रुकती है, तो कार की गति ज्ञात कीजिए। तो मतलब ट्रेन को लगा समय थोड़ा ज़्यादा है, 12.5 मिनट जो है वो ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, कार की गति मान ली एक्स, तो ट्रेन की गति उससे 50% अधिक है, तो 50% अधिक का मतलब होता है 150/100। इसे सॉल्व किया हमने तो मिला 3x/2। दूरी इसकी भी 75 है, दूरी इसकी भी 75 है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। इसका 3x/2 में 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 150 हो जाएगा। तो आप इसके बाद ये वाली स्टेप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये लिखा है 75/x − 75 × 2/3x, ठीक है। ये वाली स्टेप को देखिए और यहाँ इसे सॉल्व करेंगे, 12.5 मिनट का जो डिफरेंस था बटे में 60 इसलिए रखा, उसे घंटे बदलना होगा, ठीक है। आगे जब हम देखेंगे इसका सॉल्व, तो उसमें दिखाया गया इन दोनों का एलसीएम आएगा 3x, इन दोनों का एलसीएम आएगा 3x, एक्स इसका डिवाइड देंगे 75, 225 हो जाएगा और ये आ जाएगा 150। इसे सॉल्व करेंगे, दशमलव उठा के 0 ले लेंगे, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए इसका अरेंजमेंट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर इसके सॉल्यूशन में कोई दिक्कत आती है, व्हाट्सएप से मुझे देख इसके सवाल की डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल दिया हुआ है, इसमें एक हवाई जहाज 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, समान दूरी को 1/2 / 3 घंटे में तय करने में उसकी गति क्या होगी? चलिए, तो हवाई जहाज की चाल दी है 240, समय दिया है 5 घंटे, ये आपको पहली लाइन में दिया है। इन दोनों से हम इसकी दूरी निकाल सकते हैं, चाल गुणा समय, ये आ गया आपके पास 1200 किलोमीटर। अब ये दूरी उसे कितने समय में तय करनी है? 1/2 / 3 घंटे में। 1/2 / 3 को चेंज करेंगे तो कितना आएगा? तो आ जाएगा आपके पास 3 × 3 = 5/3। अब 5/3 नया समय है आपके पास और आपके पास दूरी है 1200, तो चाल निकालने के लिए दूरी बटे समय, ये 3 रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर की साइड,
तो 3 ऊपर आ गया, इसे सॉल्व कर लीजिए, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले सम को देखते हैं हम, इसमें दिया हुआ है यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है तो उसे 20 किलोमीटर अधिक चलना होता है, उसके द्वारा चली गई वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में जब उसकी चाल 10 थी तो उसकी दूरी हमने x मान ली, जब चाल 10 थी तो दूरी x मान ली, तो इससे समय कितना हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। इसी प्रकार जब चाल 14 थी तो दूरी उसकी x प्लस 20, उसमें लिखा है 14 किलोमीटर चलता है तो उसे 20 किलोमीटर अधिक, 14 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है तो उसे 20 किलोमीटर अधिक जाना पड़ता है, तो जो हो गया x प्लस 20। तो इस समय समय हो जाएगा x प्लस 20 अपन 14। दोनों की तुलना कर दीजिए आप उठा के, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको जो स्टेप मिलेगी वो ये होगी, 14 का x से गुणा हो जाएगा और 10 का x, तो जो आ जाएगा x के कंपोनेंट एक साइड ले लीजिए, इसे सॉल्व करिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा वास्तविक दूरी हो जाएगी। अगले सम में हमसे कहा गया है 600 किलोमीटर की उड़ान में एक विमान मौसम खराब के कारण धीमा हुआ, यात्रा के लिए विमान की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुई, उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हुई। तो आपसे पूछा गया है इस सवाल के अंतर्गत, तो बताइए उड़ान की अवधि क्या होगी। तो यहाँ पे उड़ान की अवधि लिखा नहीं है, इसने पूछना चाहिए, यहाँ पे लिखा होना चाहिए उड़ान की अवधि क्या होगी। तो हमने इसमें मान लिया उड़ान की अवधि है x घंटे, तो जब मौसम सादा था तब दूरी 600 थी, समय x था, तो चाल हो जाएगी दूरी बटे समय। खराब मौसम में दूरी वही थी पर समय आधे घंटे बढ़ गया था, आधा घंटे को 30 मिनट या 1/2 लिख सकते हैं हम, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो जा जाएगा, अच्छा फिर जैसे इसकी 600 अपॉन x चाल है वैसे इसकी चाल हो जाएगी 600 अपॉन में ये 2x प्लस 1 अपॉन 2, इस वाले हिस्से को सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा नीचे की साइड 2x प्लस 1, ये 2 रेसिप्रोकल घूम पर जाएगा तो ये 1200 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद उनके सवाल की डिमांड है उस हिसाब से इसे एडजस्ट करेंगे, उसमें कहा है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे का कुछ उड़ान कम हुई है इस सवाल में उसने बोला है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान कम हुई है। जब वो ऐसा बोल रहा है तो इस सवाल के हिसाब से हम उसे एडजस्ट करेंगे, तो इसकी चाल और इसकी चाल का डिफरेंस कितना आ जाएगा 200, इसमें ऊपर 600 कॉमन ले लीजिए, बाकी इससे को एलसीएम लेके सॉल्व करिए और 200 से ये वाले 600 को काटिए तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएं और क्रॉस मल्टीप्लाई इधर की साइड इसका इससे कर दें, जब इसे सॉल्व करके हटेंगे आप तो आपके पास जो समीकरण बनेगा वो ये बनेगा। इस वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक x माइनस 1 और एक 2x प्लस 3। तो ये चूंकि प्लस में तो ये हमारे काम का नहीं, पर ये माइनस में है तो ये हमारे काम का है, तो हम x माइनस 1 के सामने 0 लेंगे तो x बराबर हमारे पास 1 आ जाएगा। x बराबर 1 आने का मतलब इसका जो वास्तविक समय है वो 1 घंटा है, ठीक है। अगला सम है, इसमें दिया है दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 7:8 है, यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर जाती है तो पहली ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोनों ट्रेनों की चाल का अनुपात 7:8 है तो पहली ट्रेन की चाल हो जाएगी 7x, दूसरी की हो जाएगी आपके पास 8x। बट दूसरी ट्रेन के बारे में बताया गया कि वो 4 घंटे में 400 किलोमीटर जाता है तो चाल हो जाएगी दूरी बटे समय से, तो 4 से इसे काट दीजिएगा तो ये 100 आ गया। अब ये दूसरी ट्रेन की चाल है 100, बट आपके सवाल में दूसरी ट्रेन की चाल दी है 8x, तो इन दोनों को कंपेयर करो तो x का वैल्यू आ गया 12.5। x का ये वैल्यू 12.5 आ गया तो उसने पूछा पहली ट्रेन की चाल है 7x और x की वैल्यू यहाँ रख दो। आप जैसे ही x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 7 का 12.5 से गुणा हो जाएगा, 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। आप अगला सम देखेंगे, उसमें दिया हुआ एक आदमी यात्रा पर पहली 160 किलोमीटर 64 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 160 किलोमीटर की यात्रा का आज जो हिस्सा है वो 64 किलोमीटर प्रति घंटे से और अगली 160 किलोमीटर की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल से तय करता है। पहली 320 किलोमीटर यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी, यानी हम अपनी भाषा में गए तो उसमें केवल औसत चाल पूछी गई है। तो हम पहली यात्रा जो हो रही है इसकी 160 वाली 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो दूरी जेरी
और इसकी चाल जेरी, तो समय आ जाएगा 160/64, और दूसरी यात्रा भी 160 किलोमीटर की है पर इसमें गति 80 है, तो इसका समय आ जाएगा 180/60। उन्होंने कहा है दोनों यात्रा करेगा पूरी, तो दोनों का समय लेके जोड़ दो, इसको काटा पीटी कर लीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/2, ये पीछे वाला हिस्सा 80 से सीधा कट रहा है 2 बार, तो ये आ गया 2, इस 2 दूनी 4, ये आ गया 9/2 घंटे। अब आपको सवाल के हिसाब से 320 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो आपके पास समय है 9/2 घंटे, दूरी है 320, आप इसके अंदर इसे रखेंगे तो औसत आ जाएगा 320/9/2, इस 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए ऊपर की साइड, 320 × 2/9 सॉल्व करिए, 71.1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, आप अगले सवाल को देखेंगे। अगले सवाल में कहा गया है एक कार अपनी गति की 5/7 गुनी गति से 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में 42 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोशिश करते हैं इसको भी देखने की। तो उन्होंने बोला है कि कार की वास्तविक चाल एक्स हो जाए, तो नई चाल हमारे पास उसने बोला है 5/7 गुनी, तो 5x/7, तय दूरी कितनी है 42 है। यहाँ तक सवाल में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो पूछी जाए। अब उसने दिया हुआ समय थोड़ा अटपटा है इसका, इसका समय दिया है 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड, तो सबसे पहले आप 48 सेकंड को 48 मिनट बनाओ, 48/60, तो वो कट जाएगा 12 चौक 48 और 12 5 60, तो यह आ जाएगा 1 घंटा 40 से ही 4/5 मिनट। अब इसे भी चेंज कर लो तो यह आ जाएगा 204, इसमें 60 का भाग दो तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1 से ही 51/75। अब इसे फिर सॉल्व कर लो, 75 × 75 और 51 जोड़ लो, 126/75। तो आपका समय थोड़ा सा अटपट आया है इस सवाल के अंदर। अब आपको एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, उस फॉर्मूले में आप जाओ तो आपके पास चाल थी 5x/2, उसने बोला था 5/7 गुनी, समय अभी अभी निकाला आपने 126/75, दूरी आपके सवाल में 42 दिए, इसे अरेंज करो, एक्स की वैल्यू निकाल लो 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला समय 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय 2 घंटे समीर से अधिक लेता है, यदि अभय अपनी गति दुगनी कर देता है तो समीर से 1 घंटा कम समय लेता है, तो अभय की गति याद कीजिए। सवाल की पहली लाइन में अभय की गति एक्स, समीर की गति 2x, ये लाइन बहुत सिंपल होगी। दी गई दूरी 30 है, तो अभय का समय हो जाएगा 30/x, समीर का समय हो जाएगा 30/2x। अब आप सोचो सवाल में उसने कहा इसको 2 घंटे अधिक लगते हैं, इसको 1 घंटा कम लगता है, तो टोटल टाइम इंटरवल कितना हो गया, तो टोटल टाइम इंटरवल आप नीचे देखेंगे 2+1 3 घंटे हो गए। तो अभय के समय में से समीर के समय को घटाते हुए सामने टोटल टाइम इंटरवल आएगा, इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम जब लेंगे 2x आएगा, इससे डिवाइड देंगे तो 2 जब बाहर जाएगा तो 60 में से 30 गया, 30 बचेगा, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका 6x आ जाएगा, 6x से 30 काटेंगे 5, तो x बराबर 5 आया, तो जो अभय की चाल आ गई, यही इन्होंने डिमांड की थी। आज का अगला सवाल, इसमें लिखा है एक आदमी 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 घंटे का समय लेता है, अगर 120 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी दूरी कार से तय करता है तो यात्रा 20 मिनट अधिक लेता है, और यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी कार से तय करता है तो करता है, ठीक है, तो कारों द्वारा तय की गई ट्रेन की गति का अनुपात, दोनों मतलब दोनों की चालों का अनुपात मांगा है, बस और कुछ नहीं है, तो हम कोशिश कर सकते हैं और ट्राई करते हैं, चलिएगा। तो हमने क्या किया, माना ट्रेन की चाल x है और कार की चाल y है, कुल दूरी 600 है, अगर वो 120 दूरी ट्रेन से चल लेता है तो बाकी बची 480 दूरी वो कार से चलेगा, उस समय लगा समय उसका है 8 घंटे। सवाल में देखें ये कैसे बनाया, ये बनाया दूरी बटे चाल, ऊपर दूरी लिखिए नीचे चाल, ठीक है। सिमिलर ऐसा ही सेकंड केस में बुलाया कि 200 अगर वो ट्रेन से जाता है तो शेष कार से 400 हो गया, टोटल दूरी 600, इस बात को ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक है। इसमें 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो 8 घंटे पहले लगते थे, 20 मिनट और लग गए इसमें, इसको चेंज कर लो, 60 का डिवाइड देखे तो 20/60 हो जाएगा, यहाँ पे 20/60 हो जाएगा, और इसे काट दीजिएगा 20 से 20 60, तो 1/3 हो गया ये। इसमें से जल्दी से आप क्या कर सकते हैं, 120 कॉमन लेके नीचे की साइड, 120 यहाँ से ऊपर से कॉमन लेके नीचे की साइड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1/x, यहाँ जाएगा 4/y, यहाँ जाएगा 8 के नीचे 120 आएगा,
तो आप 8 के नीचे 120 काटेंगे तो 1/15 आएगा। सिमिलर ऐसा ही यहाँ से आप 200 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ जाएगा 1/x, यहाँ जाएगा 2/y, और जब ये 200 नीचे जाएगा तो वो कट जाएगा 25 के पहाड़े से, 8 बार 8 = 24 हो जाएगा। अब ये समीकरण नंबर जो 1 और 2 मिले हैं अभी अभी हमको, इनको हमें युगपत समीकरण से सॉल्व करना होगा, और x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 80 आएगी। इसको यहाँ करना संभव नहीं था, अगर आपको लगे आवश्यक है तो मैं व्हाट्सएप पे डिटेल दूंगा। अब उन्होंने उसका अनुपात पूछा, तो 60:80 ले लो, 20 के पहाड़े से काट दीजिए, उसका अनुपात आ गया। ठीक है, आज का हम आखिरी सवाल देखेंगे, 12वां सवाल है। रॉबर्ट अपनी साइकिल पर यात्रा कर रहा है, देखता है कि अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करता है तो 2 बजे तक बिंदु ए पर पहुंच जाता है, और यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करता है तो 12 बजे पहुंच जाता है। यदि वह बिंदु ए पर 1 बजे पहुंचना चाहे तो उसकी गति क्या होगी? चलिए, तो माना दूरी उसकी x किलोमीटर है, तो यहाँ सवाल में सीधा सीधा दिया, जब रॉबर्ट 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो उसके लिए समय कितना हो जाएगा? x बटे 10, क्योंकि हमारे पास दूरी दी नहीं है तो दूरी हमने x मान ली, और जब वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो उसका समय हो जाएगा x बटे 15। तो यहाँ तक बात समझ में आनी चाहिए। तो समय अंतर क्या हो जाएगा? इसका समय माइनस दोनों चालों का समय अंतर जो है, समय का अंतर बराबर 2 घंटे। अब 2 घंटे कहाँ से आए? तो बता रहे थे पहले वो 2 बजे पहुँच रहा था, फिर वो 12 बजे पहुँच रहा था, तो इन दोनों का समय अंतर कितना आ गया? 2 घंटे। इसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके x का वैल्यू 60 पाएंगे, बट ये वैल्यू का आंसर नहीं है। अब यहाँ कुछ चीज़ समझने की है, ये दूरी 60 किलोमीटर है, जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर तय करता है तो उसे 6 घंटे लगते हैं। साफ साफ समझ में आता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब 6 घंटे अगर उसको लग रहा है रॉबर्ट को पहली बार में, तो यानी कि वो दोपहर में 2 बजे पहुंच रहा था, सवाल के हिसाब से लिखा है ना, दोपहर में 2 बजे पहुंच रहा था, तो 2 बजे से 6 घंटे पहले करो, तो यानी सुबह 8 बजे उसने चलना शुरू किया होगा। अगर वो 8 बजे चलना शुरू करता है, पर प्रश्न में अब डिमांड की गई है लिखा, परंतु प्रश्न में वो चाहते हैं कि 1 बजे पहुँचे, तो जो बंदा 8 बजे निकला है और 1 बजे पहुँचना चाहता है, तो उसे कितने घंटे लगेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, उसे 5 घंटे लगे। अब 5 घंटे दूरी वही है 60, तो चाल निकाल लो। तो चाल निकालने के लिए आप क्या करोगे? चाल निकालने के लिए करोगे दूरी बटे चाल समय से, तो जो 60 है वो 5 घंटे वही, वो 1 बजे पहुँचना चाहता है, काटिएगा तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें एक सवाल और है, उसे और देख सकते हैं आप। यहाँ दिए किसान 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह आंशिक, आंशिक मतलब कुछ भाग पैदल चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कुछ भाग 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से चलता है, तो पैदल यात्रा में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। माना किसान पैदल चलता है x, और कुल दूरी उसकी 61 है, यहाँ पे लिखी हुई है, तो साइकिल से चलेगा 61 - x। अच्छा, इसकी चाल है पैदल में 4 और साइकिल से है 9, तो समय आ जाएगा दूरी बटे चाल, समय आ जाएगा दूरी बटे चाल। उसके अलावा हमें आगे बोला है कि उसका कुल समय 9 घंटे है, तो हम क्या करेंगे? पैदल का समय और साइकिल के समय बराबर 9 घंटे, इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स का वैल्यू 16। तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो पैदल जा रहा है। ठीक है, इन सवालों को आप दोबारा कीजिए, बिना देखे कीजिए, अगर कोई परेशानी आती तो मैं इनको और बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।